गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम रुड़की में हैं और आज हम लोग कनखल जा रहे हैं। कनखल यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है, जो कि हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं कनखल में और क्या क्या मिलता है। अरे इस भाई साहब को क्या परेशानी है भाई। अगर मौसम की बात की जाए तो आज रुड़की को कोहरे की चादर ने घेर लिया है और बादल भी हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार आज सूरज तो दिखने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने सूरज को साथ लिए जा रहे हैं, जो फिलहाल बाइक की वीडियो बनाने में बिजी है। एक्चुअली हम लोग सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाए थे, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई नहीं, लेट्स गो टू कनखल। कनखल में दक्ष प्रजापति का भव्य आश्रम है, माता सती का जन्म स्थल भी है। कनखल ही वह जगह है जहाँ विवाह प्रथा की शुरुआत हुई थी। अभी हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। अभी हमें यहाँ से राइट टर्न लेनी है और 3 किलोमीटर और आगे जाना है, फिर हम कनखल पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग राजा दक्ष की राजधानी कनखल पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह माता शीतला मंदिर है। मान्यता के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी कुलदेवी माता शीतला की कठोर तपस्या की थी। तपस्या पूरी हो जाने के पश्चात यहीं पर माँ सती का जन्म हुआ था। इसे माँ सती का जन्म स्थान भी कहते हैं। नवरात्रि के दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएँ अवश्य पूरी हो जाती हैं। शीतला माता मंदिर के ठीक पीछे महाकालेश्वर एवं महाकाली देवी मंदिर भी है। यहाँ आप राम सेतु पत्थर भी देख सकते हैं, यह पानी में तैरता हुआ पत्थर। प्रांगण में ही कुछ दुकानें हैं जहां से आप अपने प्रियजनों के लिए उपहार भी ले सकते हैं। यहां पर और भी मंदिर हैं, जैसे राधा राश बिहारी मंदिर। अभी हम तक्षेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। दोस्तों मैं अभी दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल तीर्थ स्थान पर खड़ा हूँ। यहीं पर माता सती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। इस सृष्टि में विवाह प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई थी। मंदिर के समीप एक नहर बह रही है, जिसे गंगा नदी से काटकर बनाई गई है। नहर के निकट माता सती के चरणों के प्रतीक भी रखे गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप यह दक्ष यज्ञ कुंड देख सकते हैं। यहीं पर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिनमें उन्होंने भगवान शंकर को छोड़कर सभी राजाओं को बुलाया था। माँ सती उस यज्ञ में बिना बुलाए ही पहुँच गई थी और उस यज्ञ में शंकर जी का बहुत ही अपमान हुआ था, जिसे माँ सती सहन नहीं कर पाई और हवन में कूदकर सती हो गई। जब यह बात भगवान शंकर को पता चला, तब उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र नामक पराक्रमी गण को तुरंत तैयार किया और प्रजापति दक्ष का सर्वनाश करने का आदेश दिया। तब वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने उनके धड़ पर एक बकरे का सर लगाकर उनको जीवन दान दे दिया था।
और वरदान भी दिया था कि आज से मैं यहाँ अपने एक अंश के रूप में, मैं आपकी इस धड़ के रूप में स्थित रहूँगा एवं इसी नाम से जाना जाऊँगा। तभी से इस स्थान पर दक्षेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं।